सर प्लीज मेक इट फुल स्क्रीन। सर प्लीज ओके सर इट विजिबल। इट इज विजिबल। ओके यस सर। So let us start with the topic. Today's our topic of discussion is development of entrepreneurial skills. Now when you will go in detail, as sir has rightly said, entrepreneurs are having diversified skills and different entrepreneurs are having different skills. And there are many examples. I will cite with you one example, which is a very famous example, and its video is also very much viral on YouTube as well as this social media also. And in first lecture, we have seen sometimes because of childhood problem or unemployment, people becomes entrepreneur. So even there are very much different people, different researchers advocate different types of skill, but still we are going to discuss few skills. Another one is there are lots of myths about entrepreneur also. मतलब बहुत सारी गलत धारणाएं हैं entrepreneur के बारे में, जिसमें एक उसमें बहुत ही prominent है कि entrepreneurs are born not made. मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं या बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो जन्मजात ही होते हैं, उनको डेवलप नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज के साथ, पॉलिसीज के साथ, बहुत सारे ऑफर्स के साथ आ रहे हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के बारे में चर्चा चल रही है। तो मैं जो उस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहा था, बहुत सारे आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने उसे देखा होगा कि एक गुजरात का लड़का रहता है जो शहर में नौकरी के लिए जाता है। शायद वो अपने रिलेटिव के यहाँ जाता है, किसी कारण से वहां से निकलना पड़ता है उसे, और वो ऑफिस ऑफिस घूमकर अपने नौकरी की तलाश करता है। बहुत घूमने के बाद उसे एक ऑफिस में नौकरी मिल जाती है, बट आफ्टर एवरीथिंग The HR manager asked him for an email ID. He was not aware of the email ID. What email ID is? Then he went outside, searched for email ID. He called his father. His father searched for that email ID, from where to get that email ID. And lastly, he didn't get email ID. और उस कंपनी में उसे बोला गया कि यदि तुम्हारे पास आज के जमाने में email ID नहीं है, तो तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। लास्टली उसके जेब में लास्ट 10 रुपया बचा हुआ था और उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने 10 रुपए का टमाटर खरीद के उसे घर घर घूम के बेचने लगा। 10 रुपए का टमाटर उसका 20 रुपए में बिका, और यही प्रोसेस करते करते वो सब्जी बेचते बेचते आगे चल के फिर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया सब्जी का। उसके बहुत सारे ट्रक्स हो गए, बहुत सारे बड़ा बिजनेस हो गया, और फिर बाद में उसने ये पूरे ग्रो करने के बाद, बिजनेस में सफलता पाने के बाद, उसने इंश्योरेंस लेने का सोचा और फिर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को बुलाया, और इंश्योरेंस एडवाइजर सारा फॉर्म भरने के बाद, सब कुछ करने के बाद, फिर उससे फॉर्म में, हम और आप भी कोई भी फॉर्म भरते हैं, हर एक फॉर्म में ईमेल आईडी के लिए कॉलम होता है। तो जब उससे ईमेल आईडी पूछा, तो उसने बोला ईमेल आईडी तो है नहीं मेरे पास। तो एडवाइजर बड़ा आश्चर्य होकर पूछा कि सर इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी आपके पास ईमेल आईडी नहीं है। तो ही सेड दैट कि ईमेल आईडी यदि मेरे पास होता तो आज मैं किसी अच्छे से कंपनी में प्यून की नौकरी कर रहा होता, आज यहाँ नहीं होता। सो द माय आइडिया ऑफ साइटिंग यू दिस स्टोरी इज नन एनी वन कैन बिकम सक्सेसफुल इन बिजनेस। इट डिपेंड्स ऑन देयर पैशन, इट डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटीज दे गेट, द आइडिया और जो वॉट एवर अपॉर्चुनिटी दे गेट, टाइमली ग्रैबिंग दैट अपॉर्चुनिटी। सो दीज फैक्टर्स मैटर्स अलॉट। नाउ लेट अस सी द आवर दिस टॉपिक स्ट्रक्चर। टूडे वी विल बी डिस्कसिंग एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स, देन बिल्डिंग न्यू आइडेंटिटी, देन गोल सेटिंग एंड creativity and problem solving. I will try to be a bit fast from very starting, because lastly we have to rush then.
हेयर आर फ्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एज आई टोल्ड यू कि एंटरप्रेन्योर का कोई भी आइडियल प्रोफाइल नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि वही लोग सक्सेसफुल होंगे। हर तरीके के लोग सक्सेसफुल हुए हैं। पहले लेक्चर में जैसे आपसे मैंने डिस्कस किया था कि बहुत हाई क्वालिफाइड लोग भी सक्सेस हुए फिल हुए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको साइन करना नहीं आता वो भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आज के डेट में। तो इसके लिए कोई आइडियल प्रोफाइल नहीं है, बट फिर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जगह यहाँ पे किया गया है जो होने पर एंटरप्रेन्योर के लिए सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो फर्स्ट वन इज क्रिएटिव एक्टिविटी। जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, क्योंकि यदि कोई अपॉर्चुनिटी है या कुछ चीजें सामने है वो सबको दिखता है, अब उसी को अलग तरीके से क्रिएटिव तरीके से जो करेगा दे विल बी सक्सेसफुल। Then next one is a dynamic process. जो business environment है वो बहुत ही बदलता हुआ environment है, चाहे वो आपका internal environment हो या external environment हो। Political चीजें change हो रही है, laws change हो रहे हैं, आपका culture change हो रहा है, लोगों की habits change हो रही है। So it is dynamic process, और जिस तरीके के बदलाव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्पेशली आ रहा है उस हिसाब से आपको अपने बिजनेस में अकॉर्डिंग चेंजेस करने जरूरी हो जाते हैं। देन इट इज पर्पसफुल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर्स या कोई भी बिजनेसमैन कभी भी कोई काम बिजनेस से रिलेटेड अपने फन के लिए या एंजॉयमेंट के लिए नहीं करता, सारा काम एक पर्पसफुली किया जाता है। देन इन्वॉल्व रिस्क। बिजनेस कैन नॉट बी थॉट विदाउट रिस्क, हमेशा रिस्क होता है उसमें। देन रिस्क बियरिंग एबिलिटी, जो रिस्क को हैंडल करेगा वही बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है। रिस्क फ्री केवल जॉब्स ही होता है कि आपने 30 दिन ड्यूटी किया है तो अगले दिन आपको सैलरी जरूर मिलेगी मिलेगी, बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस में आपका मोटिवेशन प्रॉफिट होता है एज रिवार्ड, बट उसमें रिस्क हमेशा होता है, प्रॉफिट होगा ही, इसकी गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। Then technical knowledge is required. Technical knowledge related to this technical knowledge can be anything related to your operation with the help of IT, related to your product technicality and all other things. Then इसमें technical knowledge होना इसलिए भी बहुत जरूरी होता है। एक बार हम लोग जब मैंने MBA ज्वाइन किया था उसमें वेरी डे वन पे एक वर्कशॉप हुआ था, उसमें एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था और उसके एक नए सीईओ ने ज्वाइन किया, और सीईओ ने जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का विजिट करना शुरू किया देन सी सॉ कि एक जो एरिया वॉशरूम का एरिया है वो बहुत ही गंदा है। जैसे आप लोग भी यदि किसी पुराने गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो उसका वॉशरूम बिल्कुल पीला पड़ा होता है, काला पीला लगा होता है। And then she asked why its condition is like this. So people says that ये साफ ही नहीं होता है। Then she took brush in her hand and started cleaning a small portion of that, and that small portion was cleaned. Then after that, no one can see anything. Very next day, that washroom was completely cleaned. So technical knowledge, यदि यहाँ पे जिस चीज का business एक entrepreneur कर रहा है उसकी जानकारी यदि उसे है तो उसके employees उससे related कोई भी excuse नहीं दे सकते हैं, they will have to work. Then next one is ability to gather financial and motivational resources. Financial भी चाहिए, motivation के ऊपर हम आगे देखेंगे, इसी lecture में हम Maslow और बाकी theories को देखेंगे, तो वो सारी भी ability होनी चाहिए. Then self confidence and multi skill. अपने आप पे तो भरोसा होना ही चाहिए, क्योंकि जो social structure है हमारा, पहले class में भी मैं discuss कर रहा था कि जो हमारा social setup है वो बहुत ज़्यादा entrepreneurial activity को promote नहीं करता है। People always discourage, either it is your family member or relatives or people from the society. And also an entrepreneur has to be multi-skilled. जब starting होता है business का उस time पे एक entrepreneur resource भी collect करता है, उसको प्रोसेस भी करता है, उसकी मार्केटिंग भी करता है, यदि दो चार employee है तो HR का role भी वो परफॉर्म करता है, फिर फाइनेंस का भी करता है, सप्लाई चेन का भी करता है। सो एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है,
वो जॉब की तरह ये नहीं बोल सकता कि मैं यदि एचआर मैनेजर हूं तो भी मैं मार्केटिंग का कुछ नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट आवर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉन्फिडेंस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज एंड डिस्करेजिंग सर्कमस्टेंसेस। प्रेजेंट सिनेरियो इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफिकल्टीज एंड डिस्करेजिंग सर्कमस्टेंसेस, बट स्टिल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड वर्किंग विद वॉट एवर परमिशन गवर्नमेंट हैज गिवन विद 30% एम्प्लॉई और वॉट एवर उसमें भी वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोते। इवन वन ऑफ द कोट ऑफ जैक मा हु इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा, ही सेड दैट द 2020 इज द ईयर फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू सर्वाइव। यदि इस अवधि में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को जीवित रख पाएगा, आगे उसके लिए ग्रोथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी होगी। देन इनोवेटिव स्किल्स, इनोवेशन हमारा एक टॉपिक ही है, इसमें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन रिजल्ट ओरिएंटेड, व्हाट एवर यू आर डूइंग रिजल्ट मस्ट बी देयर। देन रिस्क टेकर्स, रिस्क इज ऑलवेज देयर बिकॉज यू नेवर नो द प्रोडक्ट विच यू आर मैन्युफैक्चरिंग, द प्रोडक्ट विच यू आर ट्राइंग टू सेल टू कंज्यूमर्स, they will like or not, it is always uncertain. Then total commitment, commitment is always required. Whatever you are doing, committed towards your goal, committed towards your process and everything. Then calm, an entrepreneur must not you can say use kisi bhi situation se pareshan nahi hona chahiye, use bilkul shant aur situation ko handle karne wala hona chahiye. फिर फोकस्ड होना चाहिए, जो उसे करना है उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। देन टॉलरेंस, मेनी थिंग्स यू हैव टू, यदि टॉलरेंस का आपको बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो किसी भी दुकान पे आप चले जाइए और वहां पे एक कस्टमर बिजनेसमैन है जिसका लाखों का ट्रांजैक्शन डेली का है, मंथली का सपोज करो आप करोड़ में ट्रांजैक्शन है उसका, फिर भी एक सिंपल सा कस्टमर आता है उसके ऊपर काफी सारे आरोप लगाता है, आपने गलत सामान दिए, आपने ऐसा किया वैसा किया, वॉट एवर, मतलब एब्सर्ड लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज नहीं करता बट नेगेटिव बातें बोलता है, तो भी वो उसे समझाता है, उसको कामली हैंडल करता है और ये कोशिश करता है कि ये कस्टमर मेरे यहाँ से नाराज होके ना जाए। रीजन बीइंग कि एक वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होता है मार्केटिंग में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, इवन अमिताभ बच्चन और महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। यदि मैं अपने किसी दोस्त को किसी प्रोडक्ट के बारे में बोलता हूं तो वो ये फील करेगा कि इसने ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा है, बट यदि अमिताभ बच्चन किसी प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं तो ये सबको पता है कि वो पैसा लेके बोल रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज बैलेंस, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, जैसे या तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हो या फिर बिजनेस करने में हो, जो भी हो, एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का। देन वर्सेटिलिटी, उसे वर्सेटाइल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज पे स्टिक होना। पीछे आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था जिसमें गवर्नमेंट ने एक बार लॉ चेंज किया, ओवरनाइट पर्सन रोड पे आ गया, तो उसको वर्सेटाइल होना चाहिए, चेंज के हिसाब से उसको अडाप्ट करने की एबिलिटी उसमें होने चाहिए। देन सीरियसनेस होने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में। देन प्लानिंग एबिलिटी मस्ट बी देयर, फर्स्ट यू विल हैव टू प्लान, देन ओनली यू कैन फर्दर प्रोसीड विद द एक्टिविटी। देन प्रूडेंस शुड बी देयर, कस्टमर सेंट्रिक शुड बी देयर, कस्टमर इज एवरीथिंग इन बिजनेस। देन टीम प्लेयर शुड बी देयर, एक अकेला इनिशियली जब सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो बिजनेस खुद ही स्टार्ट करता है एम्प्लॉय एक एंटरप्रेन्योर, बट धीरे धीरे जब टीम बिल्ड होती है तो उसे टीम में काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स एन एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज एबिलिटी टू प्लान, planning is not an easy task, hope most of you are from MCOM with whom we have discussed in our very first lecture about planning. Planning is related to basically the process of deciding future activity, to bhavishya mein aap kya karne wale hain, kab karne wale, usme planning mein aapko sare questions who what when how where
सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए होता है, तो इट नीड्स अ गुड लेवल ऑफ स्किल. देन कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल इज अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आप जो कह रहे हैं सामने सुनने वाला क्या उसको भी उस वही समझ रहा है जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन जो बैरियर्स होते हैं वो हमेशा प्रोसेस में होते हैं. जैसे एक सेंटेंस में आपको बोल रहा हूँ, वर्डिंग दोनों का सेम है, दो अलग अलग जगह पे पॉज लेने से इसमें बिल्कुल ही इसका मीनिंग अपोजिट हो जाएगा. जैसे एक लाइन है, रोको मत खाने दो, ठीक है, तो जब मैंने बोला रोको मत खाने दो, मींस यहाँ पे बोल रहा है कि उसे खाने दो, उसे मत रोको. अब दूसरा जब मैं बोलने का स्टाइल चेंज करता हूँ, रोको मत खाने दो, मींस यदि मैंने पहले वर्ड के बाद ही पॉज लिया, अब अपोजिट मीनिंग हो गया कि उसे रोक दो, उसे मत खाने दो. तो दैट टाइप ऑफ बैरियर शुड नॉट बी देयर, कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी गुड, so that whatever the sender of message is trying to say, receiver of message is also receiving in same way. Then marketing skill is there. If we talk about business, without marketing nothing is possible. Nowadays even everywhere people are more emphasizing on marketing, and there are very good examples of companies which only do marketing, and they are multinational brands. They are, we can say, ruling on the world, and Nike is one of the biggest example. Then interpersonal skill, you must be in a good position to have good relationship, maintaining good relationship with your people, colleague, your business partners. Then basic management skills, later on we will discuss management skills, what type of management skills are there. Then personal effectiveness, you must be, your effectiveness should be better so that you can set example for your colleagues, your employees, for others. Then team building skills, team is a very important factor in success of any organization. And last one is leadership skill. Whenever leadership changes, things changes altogether. अब हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी सक्सेसफुल, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट डूइंग एज गुड एज प्राइवेट सेक्टर्स. वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल व्हिच आई हैव लर्नड और लर्नड फ्रॉम माय स्टडीज, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज टॉप लीडर्स और टॉप इंडिविजुअल्स ऑलवेज चेंजेस आफ्टर 3 years और 5 years इन public sector, and in private sector top leader never changes, lower level people may change. If we talk about university system only, in central university after every 5 year vice chancellor changes, and with vice change of vice chancellor teams changes, and with team changes in team things started changing. Whereas if we talk about multinational organizations or private sector organizations, top never changes, so their vision is clear. So leadership, when leadership skill is better, then success of organization will be, probability will be more. Here in last slide, basic management skill was there. Skills are basically of 3 types: technical skills, human skills, and conceptual skills. Technical knowledge, already we have discussed. Technical knowledge is whatever process is going on in your organization, you must be aware of how things to be done. Then human skill is basically related to middle level managers, whose basic function is to coordinate between top level management and lower level management. So middle level managers more require human skills. And then conceptual skill is more related to top management, who is responsible for making strategies, planning, and everything. Otherwise, if we talk about relation of management skill and levels of management, we have 3 levels of management: top level management, middle level management, lower level management, and skills, conceptual skills, human skills, and technical skill.
So, conceptual skill is most required at top level management. Human skill is more required at middle level management, and technical skill is more required at lower level management. Then these are some of the roles of the entrepreneur. You must have studied these roles in this first block of your fundamentals of management or management principles and practices. 10 roles are there. So first one is figurehead role. The entrepreneur is the figurehead of the organization. Then leader role. He has to lead from the front, and employees and colleagues will follow him. Then liaison roles. Liaison role is basically interacting with the outer world, because as a business organization you cannot work in isolation. बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करना पड़ता है, बहुत सारे अप्रूवल एनओसीज बाकी सब के लिए, तो उसे बाहर के दुनिया के साथ भी संपर्क स्थापित करना पड़ता है. हेड मॉनिटर रोल, व्हाट एवर इज गोइंग ऑन योर इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू विल हैव टू मॉनिटर इट. देन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर रोल, व्हाट एवर इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन टू द एम्प्लॉइज. सो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर, डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन बेसिकली. देन स्पोक्स पर्सन रोल, यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट द स्पोक्स पर्सन. यदि आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तो हर एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन आके पार्टी के बारे में बताता है कि पार्टी ने क्या डिसीजन लिया, पार्टी में क्या चल रहा है. तो वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना होता है यदि कभी कोई इंफॉर्मेशन कहीं से सीख की जाती है तो. देन एंटरप्रेन्योरियल रोल, ये एज इट इज लिया गया है वहीं से, रोल्स ऑफ मैनेजर्स से. तो एंटरप्रेन्योरियल रोल मींस एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन, रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, और मेकिंग इनोवेशन इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट. क्योंकि अब केवल नया ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने वाले को ही एंटरप्रेन्योर नहीं कहते. हम लोगों ने इंट्राप्रेन्योर टर्मिनोलॉजी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर. तो अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के भी आप एक एंटरप्रेन्योर का रोल कर सकते हैं. देन डिस्टरबेंस हैंडलर, व्हेनेवर टू और मोर देन पीपल विल बी देयर, डिस्टरबेंस विल बी देयर. और ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रूशियल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत बार ये देखा जाता है कि वही मतलब डिस्टरबेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं, चाहते या ना चाहते हुए भी. और ऑर्गेनाइजेशन उनको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही क्रूशियल रिसोर्स है या जरूरी रिसोर्स है. उनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन बहुत हद तक डिपेंड करता है. जैसा कि आपने यदि वो मूवी देखा होगा, आई थिंक दैट मूवी इज चक दे ऑफ शाहरुख खान, जिसमें फुटबॉल के प्लेयर्स आपस में क्लैश करते रहते हैं, बट उस प्लेयर का रहना टीम के लिए बहुत जरूरी होता है. तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी कई बार होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं. तो डिस्टरबेंस को हैंडल करना एंटरप्रेन्योर को बहुत अच्छे से आना चाहिए. देन रिसोर्स एलोकेटर, व्हाट एवर रिसोर्सेज आर देयर, एलोकेटिंग दैट इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर, पुटिंग राइट रिसोर्स एट राइट प्लेस, इधर इट इज मैन पावर, इधर इट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इधर इट इज अदर टाइप ऑफ रॉ मटेरियल रिसोर्सेज एंड एनीथिंग. एंड देन नेक्स्ट वन इज नेगोशिएटर रोल. नेगोशिएट करना भी जरूरी होता है. वैसे हम और आप जब बाहर मार्केट में खरीदने सामान जाते हैं तो कई बार फिक्स प्राइस की दुकानें मिलती है या एक दाम की दुकानें मिलती है, बट बी टू बी बिजनेस की बात यदि हम करें, बिजनेस टू बिजनेस, वहां पे एक दाम का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है. यदि कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और उसकी उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, तब तो वो अपना प्राइस फिक्स रख सकता है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस विद हाई लेवल ऑफ नेगोशिएशन. इधर यू आर गोइंग फॉर रॉ मटेरियल और यू आर सेलिंग योर दिस फिनिश्ड गुड्स. इसमें वही पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल शायद आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं. पोर्टर कहता है कि उसमें 5 फोर्सेस होते हैं, जिसमें कुछ दो ये है
नेगोशिएशन पावर ऑफ सप्लायर एंड नेगोशिएशन पावर ऑफ बायर। मतलब यदि सप्लायर ज्यादा है तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, सप्लायर अकेला है तो वो ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं। सो दिस एंटरप्रेन्योर्स हैज टू परफॉर्म द रोल ऑफ नेगोशिएटर एज वेल। देन दीज आर सम ऑफ द सोशल रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। जैसे समाज में जितने भी बदलाव आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो हमारे फूड हैबिट्स में है या हमारे वे ऑफ लिविंग में है, हमारे क्लोथिंग में है, मोस्ट ऑफ द चीजों के लिए हम एंटरप्रेन्योर को मतलब मान सकते हैं, उनकी वजह से आता है ये सारा कुछ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडिजीनियस इंडस्ट्री इनटू अ मॉडर्न एंटरप्राइज। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, इवन जहाँ पे मैं वर्धा में हूँ, छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पे भी पहले जो ट्रेडिशनल दुकानें होती थी, जहाँ आप बाहर खड़े हैं, आपने सामान बोला, अंदर से दुकानदार निकाल के दिया, बट यहाँ पे भी अब ट्रॉली सिस्टम डेवलप हो रहा है। लगभग 4-5 दुकानें तो अभी दिखती है। मॉल कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अब दिल्ली मुंबई जैसा मॉल तो नहीं दिखता, बट स्टिल मॉल कल्चर इज डेवलपिंग। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं, आप खुद से सामानों को रैक में से निकाल सकते हैं। अब आपको बस दुकानदार को पर्ची नहीं देना है और वो सामान निकाल कर नहीं देगा। तो यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री है उन्हीं को मॉडर्न में भी कन्वर्ट कर रहा है। सिमुलेशन ऑफ इंडिजीनियस एंटरप्रेन्योरशिप, अभी बहुत ज्यादा अच्छा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी वो दिया है, वोकल फॉर लोकल। सो इंडिजीनियस एंटरप्रेन्योरशिप इज नाउअडेज अ बिग, यू कैन से, पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इवन गवर्नमेंट Home Ministry has ordered that in this military canteen only indigenous product will be sold now from I think 1st June. Then job or employment creation in the community. Entrepreneurs are basically the job creators. They provide job opportunity to most of the people. So they are employment creation is done by the entrepreneur for the community. Then provision of social welfare services of redistributing wealth and income. Social welfare services are done by business organizations, entrepreneurs, with the help of even this CSR activity has become mandatory by the government with some given limits, that whatever profit they are having in last 3 financial years, minimum I think 2-3% of that earning has to be invest for the social welfare. Otherwise also business organizations do many social welfare things. Then these are some of the economic roles of entrepreneurs. Bearing the ultimate risk of uncertainty, because whatever uncertainty is there, that is beared by the entrepreneur himself, not by the employees. Then mobilizing saving necessary for enterprise. Whatever savings are necessary for enterprise, they are mobilized by entrepreneur. Provide channel for disposal of income, economic activities. जैसे जो भी economic activities है उसके disposal के लिए एक वो channel provide करवाता है कि कैसे, क्योंकि mainly अभी भी सभी लोग यही discuss कर रहे हैं कि अभी जो economy में problem है, that is because circulation of money is not there. अभी जो है लोगों की सैलरी कट हो रहे हैं, जॉब की अनसर्टेनिटी है, तो लोग बहुत ज्यादा अभी कुछ भी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, जिससे जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो कम हो गया है और इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर्स एक चैनल प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा जा सके। Then utilizing local raw materials and human resources. कहीं पे भी जब बिजनेस होता है, जैसे बहुत सारे लोग अलग तरीके से वो करते हैं, जैसे सपोज करो आप वेस्ट बंगाल से जब टाटा नैनो का प्लांट शिफ्ट हुआ था, फर्स्ट whenever any enterprise is established in any area, some direct employment is generated. People get direct job, but indirect employment is also there. If we talk about our university in Vardha, nearly 500 employees are there, nearly 2,000 to 3,000 or more than that students are living in hostel at a time. So whatever, if they are having
एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 5 to 10,000 पर इंडिविजुअल और पर फैमिली, वॉट एवर दे आर हैविंग सरप्लस और दिस. तो ऑल दोज बिजनेस इज गोइंग टू दिस लोकल मार्केट ओनली एंड इट इज क्रिएटिंग मेनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो वही है कि इसमें और लोकल रॉ मटेरियल्स को भी यूज किया जाता है, किया जाना चाहिए. इवन गवर्नमेंट का भी रूल है कि यदि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आती है, जैसे वॉलमार्ट या बाकी कंपनीज, वॉलमार्ट इज नॉट डायरेक्ट इन डायरेक्ट रिटेलिंग इटसेल्फ, बट यदि कोई भी कंपनी आती है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो 30% लोकल मार्केट से सोर्स करेगा. ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स नो डाउट आर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स आर एम्प्लॉयड फ्रॉम लोकल एरिया ओनली, एटलीस्ट द बॉटम लेवल. Then next one is technological role of entrepreneur, simulation of indigenous technology in the production process, going through this technology. Then adapting traditional technology to modern system, means you are modernizing your process, but also doing things in traditional ways. Adapting imported technology to local environment पे हम बाहर से लाए गए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. देन डेवलपिंग टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस इन सेल्फ एंड द वर्कफोर्स थ्रू इनोवेशन, क्योंकि खुद भी अपने आप को अपडेट करता है एंटरप्रेन्योर और फिर अपने वर्कफोर्स को भी इनोवेशन के द्वारा टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट बनाता है. सो हियर वी आर थ्रू विद दिस फर्स्ट यूनिट. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? Any doubt any learner is having, anything you want to ask? Okay, so we will move with our next unit. Dear learners, if you want to ask anything to Dr. Manoj Chaudhary, then you can ask by unmuting your mic, or you can write your questions on your chat box. Okay, so sir, can we move further? Yes, sir. Okay, and I want to say one thing, questions in chat box I will be able to take at last only, because I have displayed this slideshow, so I will not be able to see questions in between. So we will discuss in last of session. Okay, next one is this building new identity. How new enterprises are created, how new enterprises are established. So first we are here to discuss sociological dimension and social entrepreneurship. Earlier we have discussed that our society do not promote entrepreneurship. Social support is not there, support system is very less. That is why we are not very good in terms of entrepreneurship, except few communities, few areas. So Abbot Hagen emphasizes on creative personality in an individual characterized by a high need for achievement and autonomy. People who are having high need for achievement and want autonomy. Some people never want to work for others, because whenever you are doing any job, irrespective of your position, you will have to follow instructions of your senior or of your entrepreneur or founder. So whatever some people want to work in autonomy, so they may go for entrepreneurship. He considers that withdrawal of status is responsible for change in personality. In his research, he thought that then withdrawal of status in on account of displacement of a traditional group from its previous status.
He is a rival and is reformist or creative innovator. जो businessman होता है वो most of the time अपने family का अपने social setup से वो एक तरीके का rebellion होता है क्योंकि लोग उसे मना कर रहे होते हैं, लोग उसे कहते हैं, कोई भी जब पढ़ लिख रहा होता है, बचपन में होता है, नाइन्थ टेंथ कर रहा होता है, उस टाइम पे शायद ही किसी के पेरेंट्स सोचते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड पीपल, कि ये आगे जाके बिजनेस स्टार्ट करेगा, सब या तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और व्हाटएवर दे हैव यू नो सम विजन फॉर देयर चाइल्ड. तो वो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं नॉर्मली दे आर रिबेल फ्रॉम द सिस्टम. देन जॉन कंकल इन हिज बिहेवियरिस्ट मॉडल सोशियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सप्लाई ही डिस्कस्ड दैट दोज पीपल हु आर हैविंग लोअर स्टेटस इन द सोसाइटी बट एक्सेस टू रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मीन्स समाज में उसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, वो बहुत टॉप पे नहीं है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसे रिसोर्सेज तक उसकी पहुंच है, तो वैसा व्यक्ति ज्यादा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मोटिवेटेड होता है क्योंकि बिजनेस करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए और बहुत ज्यादा स्टेटस नहीं है तो लोग उसे बहुत ज्यादा पूछेंगे नहीं. देन रिलीजियस डायमेंशन हैज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड. मैक्स वेबर एडवोकेट दैट द थियरी दैट रिलीजियस बिलीव सेप एंटरप्रेन्योरशिप. His controversial views is that Hinduism, Buddhism and Islam, three important religion of the world, do not encourage entrepreneurship. अब जैसे यदि मैं हिंदू धर्म की ही बात करूं, हिंदू धर्म में जगह जगह लोगों को बताया जाता है कि बहुत ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतना ही में संतुष्ट रहो. एक बड़ा ही वो बहुत बार सुनने को मिलता है, प्रचलित है कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, मतलब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जितना है उसी में हमारे धर्म में बार बार उसे संतुष्ट रहने की बात करने की जाती है. तो लोग बहुत ज्यादा इस वजह से भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल के लिए मैक्सिमम वो लोग जाते हैं जिनके जो सपने होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं या बहुत ज्यादा वो अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं. Then they do not encourage material gain in the world and they are otherworldly. अब वहाँ पे जो वो होता है material gain के ऊपर बहुत ज़्यादा focus नहीं किया जाता है. जो भी हमारे गुरु या महात्मा लोग होते हैं वह कहते हैं कि ये मोह माया है, इसके पीछे नहीं जाना जो भी है, और जो उनको मानने वाले हैं उसको follow भी करते हैं. Then wantlessness, reduction of want, मतलब आवश्यकता नहीं रहती. यहाँ पे नीड एंड वांट दो अगेन टर्मिनोलॉजी है, नीड के बिना तो हम और आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, बट जो मार्केट मेनली है वो वांट पे चलता है. अब यदि किसी को चावल खाना है तो चावल 20 रुपए किलो भी मिलता है, 100 रुपए किलो भी मिलता है, तो मेनली जो मार्केट में प्रमोट किया जाता है. अभी बहुत अच्छा कोरोना से लिंक करके पता नहीं शायद इंडिया गेट बासमती राइस, तो दावत बासमती राइस, इन सब का बहुत सारा एडवर्टीजमेंट आता है. आपने कभी भी वो 20 रुपए 40 रुपए वाले चावल का एडवर्टीजमेंट नहीं देखा होगा, ना ही मार्केटर उसको प्रमोट करता है. तो वांटलेसनेस, रिडक्शन ऑफ वांट इन हिज दिस लाइफ एंड रिन्यूएशन आर रिलीजियस बिलीफ एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ दीज रिलीजन्स विच डेटेड एंटरप्रेन्योर्स. जो रिलीजियस बिलीफ है इन सारे धर्मों का वो सारे बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करते. देन मैं बता रहा था आपको कि हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड डिस्कस करेंगे. साइकोलॉजिकल डायमेंशन में है ये, और भी आगे कुछ साइकोलॉजिकल डायमेंशन आएंगे. इसमें मैस्लो ने 5 आवश्यकता को डिफाइन किया है गया है मैस्लो के द्वारा. इन 5 में से जो पहला 2 है उसको प्राइमरी नीड माना गया है और अगले 3 को सेकेंडरी नीड माना गया. जो पहले हमारा सबसे पहला हमारा नीड है दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड मीन्स जो भी हमारे जिस भी चीज की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, जैसे भूख लगेगा, खाना चाहिए, पानी चाहिए, हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, तो इन सब चीजों को अब जैसे फिजियोलॉजिकल नीड में हमें कपड़े चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है. अब उसके बाद जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तब आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड चाहिए होगा.
जैसे आपका इनकम एक परमानेंट इनकम बना रहे, इंश्योर अगेंस्ट रिस्क या और भी तरीके की सिक्योरिटी है। अब जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जैसे हर शहर में आप देखेंगे जो कूड़ा घरों के आसपास पन्नी चुनने वाले या बाकी लोग होते हैं, वो वहीं रोड पे ही एक कपड़ा टांग के भी लेट जाते हैं, उनको सेफ्टी की जरूरत नहीं है, उनके ना तो घर में वहां दरवाजा है, ना घर है, ना कुछ भी है। लेकिन जिसकी फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको अच्छे से खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, घर है, उसे फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी फॉर सोशल नीड। सोशल नीड इज फॉर लव एंड अफेक्शन, मीन्स आप चाहते हैं कि आपको भी लोग रिस्पेक्ट करें, आपको भी किया जाए कि यू आर वैल्यूएबल रिसोर्स और वाट एवर, यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर गेटिंग प्रेस्टीज पावर। वैसे पावर किसी को दिया नहीं जा सकता, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड। देन कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, डिजायर फॉर पर्सनल अचीवमेंट, मीन्स it is beyond everything. At self-actualization need, you are doing things for your psychological satisfaction. So these needs are advocated by Maslow. Then again, Maclelland has given need theory. इसमें जो हमें entrepreneur के लिए ज्यादा important है, that is need for achievement, जिसको हम पहले class में काफी detail में discuss कर चुके हैं। फिर नीड फॉर पावर है, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। देन नीड फॉर एफिलिएशन इज देयर, क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सो पीपल इन दिस कैटेगरी विल सेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल गोल। जैसे हमने प्लानिंग के टाइम पे डिस्कस किया था कि जो आपने प्लान किया है क्या वो अचीवेबल भी है या नहीं, तो इसीलिए आपको ऐसा गोल सेट करना चाहिए और बहुत लंबे टाइम के लिए गोल सेट नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे पीरियड के लिए करना चाहिए। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मिक्स होना चाहिए कि एक साल बाद आप कितना अचीव कर लेंगे, दो साल बाद आप कितना अचीव कर लेंगे, इस टाइप से। देन टेक चैलेंजिंग टास्क एंड कैलकुलेटेड रिस्क, टास्क जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो और रिस्क हो, बट रिस्क कैलकुलेटेड हो। रिस्क के बारे में कुछ आप उसके बारे में, जैसे एक बिगेस्ट डिफरेंस वो जो आप कैलकुलेटेड और अनकैलकुलेटेड रिस्क को समझ सकते हैं, दैट इज गैम्बल एंड स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां भी रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है, बट दैट इज स्टिल कैलकुलेटेड। जैसे आप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे कैलकुलेटेड है कि कंपनी इतने सालों से है, इतने सालों से अच्छा कर रही है, पिछले 3 सालों में अच्छा किया है, आगे भी इस सेक्टर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। बट जब आप गैम्बल खेलते हैं तो वो टोटली अनकैलकुलेटेड रिस्क होता है, क्योंकि उसमें आप कुछ भी उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिजनेस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, सो दे टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि नॉर्मली सोसाइटी में होता है कि जो भी सक्सेस है वो मेरा क्रेडिट है, जो भी फेलियर है वो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सीन एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, सो टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। And love personal accomplishment more than economic return or social recognition. Means जो personal उसका satisfaction है, personal whatever they are getting, that is more important than what economic return they are getting. क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि business में आप initially profit तो नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आपका जो मार्केट है, मार्केट में आपके रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को और आपके प्रोडक्ट को। तो जब ऐसा आपके पास इस टाइप के एडवांटेज है, तो लॉन्ग रन में आपको सक्सेस 100% जरूर मिलेगा। देन प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ए न्यू वेंचर, न्यू वेंचर का अदर तरीके से भी प्रोसेस डिफाइन किया जाता है, बट आपके मटेरियल में इसी टाइप का प्रोसेस है एंड इट इज आल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो फर्स्ट आइडेंटिटी सर्च इज देयर, व्हाटएवर यू आर विलिंग टू डू,
आइडेंटिटी सर्च में आप और इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि फर्स्ट आइडिया जनरेशन विल बी देयर, ओके, देन आइडिया स्क्रीनिंग विल बी देयर। अब जैसे आइडियाज के बारे में बोला जाता है कि जैसे आप एक बहुत ही बिजी रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वहां पर ट्रेनें आ रही है और जा रही है, एंड नंबर ऑफ ट्रेनें, आप कितने भी लंबे समय तक बैठे रहो, ट्रेनें आएंगी, थोड़ी देर के लिए रुकेंगी, कुछ ट्रेन रुक के जाएगी, कुछ ट्रेन बिना रुकी चली जाएगी। तो वैसे ही जो मनुष्य है उसका दिमाग एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, और आइडियाज जो है वो ट्रेन की तरह है, कुछ आके सीधे निकल जाएगा, कुछ आके थोड़ी देर रुकेगा, फिर चला जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास आइडियाज तो बहुत आएंगे, देन आइडिया को आप स्क्रीन करेंगे कि कौन सा आइडिया एप्लीकेबल है, उसके बारे में फिर सोचेंगे और जिस आइडिया को बेस्ट तरीके से कॉमर्शियलाइज किया जा सकता है, तो फिर आपका आइडेंटिटी सर्च वहां पे कंप्लीट हो जाएगा कि आपने एक आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर लिया। देन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, उसके बाद आप जैसे उसमें उसको आइडिया स्क्रीनिंग करने के बाद आप कुछ सैंपल डेवलप करेंगे, सैंपल डेवलप करने के बाद उसको टेस्ट मार्केटिंग के लिए देंगे, टेस्ट मार्केटिंग के बाद फिर आप उसको कॉमर्शियल, मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा, देन यू विल कॉमर्शियलाइज, एस्टैब्लिश एन आइडेंटिटी एंड कॉमर्शियलाइज योर प्रोडक्ट। सो दिस इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ए न्यू वेंचर। फर्स्ट यू हैव सर्च्ड एन आइडेंटिटी, आइडेंटिफाइड एन आइडेंटिटी, then you have started, this identity formation has been made, and then after establishment of identity you may start production and marketing. Now whenever we will have this class of unit 2, we will discuss this rural entrepreneurs in very detail. Here I will only define rural entrepreneur it as its self-explanatory. Ruler, when a business, a people, someone is doing business in rural area, they are called rural entrepreneurs. And what type of risk they bear, what type of risk they are handling, first one is economic risk is there, technical risk is there, social risk is there, and environmental risk is there. Economic risk in the sense, in rural areas most of the people are not having monthly income or regular income, so economic crisis is more as compared to urban area. So one is that economic risk is there, or and also finances are also not available. Not only after production problem is there, pre-production problem is also there. Then technical risk is there. Rural people are not very much technically sound as compared to urban areas. We are talking here about masses. Individuals may be more technically sound, but technical risk is there. You will find that type of technical people or not. Then social risk is there. Social setup do not promote, advocate these entrepreneurial activities. Then environmental risk is there. Different types of business environments are there. Rural areas are having many types of environmental problem as well. So entrepreneurs are having these major risks related to rural entrepreneurs. Then next our category is women entrepreneur. Women entrepreneur is basically simple. When a woman starts any enterprise, they are called women entrepreneur. And in first class, I discussed with you the case of Kiran Mazumdar Shaw and Shahnaz Hussain. Kiran Mazumdar Shaw was denied for bank finance. The only reason for that was she was a woman. And Shahnaz Hussain was initially not able to start her own enterprise because of the social setup or whatever was there. That point of time, Parda Pratha and other many social restrictions were more. Even nowadays also we see in news time and again many types of this happening. Rather, I try to avoid watching news, especially Hindi news channel. So problems of women entrepreneurs are their entrepreneurial abilities are not allowed, always approved by the family.
फैमिली में एक डिफरेंट माइंड सेटअप होता है और वो उनके एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी को हमेशा प्रमोट नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं. दे हैव द डबल बर्डन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ होम एंड बिजनेस. यू मे सी इंटरव्यूज ऑफ मेनी सक्सेसफुल वुमेन, इधर इट इज चंदा कोचर और दिस चेयरपर्सन ऑफ पेप्सिको. सो हाउ दे हैव मैनेज्ड देयर होम एज वेल एज देयर प्रोफेशनल लाइफ. सो वुमेन आर हैविंग ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सम पीपल हैव मैनेज्ड इट वेरी एफिशियंटली, वेरी इन बेस्ट वे, बट इट इज नॉट इजी फॉर एवरी वन. दे लैक एक्सेस टू रिसोर्सेज, न्यू मटीरियल, न्यू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट रिसोर्सेज आर लेस. एंड स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, मार्केट और मार्केटिंग प्रॉब्लम इज ऑलवेज विद देम. देन दे एंटर इन कॉम्पिटिशन विद लेस नॉलेज एंड ट्रेनिंग देन मेल काउंटर पार्ट. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर कम having less knowledge as and training as compared to their male counterpart. Then they have limited access to capital with support institutions and bank doubting their credibility, whatever example I was telling initially. So banks always doubt their capability. They face institutional apathy as these institutions think women enterprise and efforts are not their primary occupation. Because people still think that their primary occupation is to handle family. Then they are faced with a limited range of over-competitive occupation. The options are few, lines of activities are limited. Even for women, there are different mindsets that women can do some limited work. Everything cannot be done by women, but there are many examples from women also who have done good in every facet of the business or other field of life, but still examples are very less. More and more growth has to be there. Then problem for minority groups. Minority groups are having different types of problem also. Self-esteem constraints are there, support system constraints are there, and resource system is there. If we talk about many minority groups, because of their social sector, because of their availability of resources, they are having great challenge of doing business or starting business. Even if they are starting business also, they are limited to few businesses. So this type of problem is again faced by this minority groups. Then entrepreneurial identity we were discussing. So first one is personal identity and career identity. Under this career identity, we have organizational identity, work role identity. Then under organizational identity, we have leader identity, founder identity, inventor identity, and professional identity. So an entrepreneur has to think first of career, then organization. Then once organization has been established, then they have leadership role, founder role, inventor role, because you have to do things differently. And then professionally, they have to manage their organization. Because if you continue to work in traditional way, then it will be very difficult for any organization to survive in market for longer period of time, because customers and market is always looking for something different, new things, and so on. Then next one is entrepreneurial identity. Attitudinal determinants are there: job meaningfulness, creativity. Then personality trait determinants are there, imagination. Then contextual determinants are there, that is family. Because whenever we talk about any successful people, family support is one of the most crucial things. If you are not having family support, it will be very difficult to be successful. So for entrepreneurs also, it is very much relevant. Then from very starting, innovation term has been repeated time and again.
So innovation is basically doing things differently. Here, there is a difference between invention and innovation. You might have heard about invention, must have heard, you know. Invention is with some new thing, yes, which has not existed earlier. That is called invention. Lekin innovation jo hai, wo jaruri nahi hai, aap naya hi leke aaye. जो आपका सामान है उसी में आपने थोड़ा सा कुछ नया डाल दिया। अब टाटा की चाय पत्ती बहुत पहले से भी थी, उसने उसमें दो चार पत्ती डाल दिए वैसे ही चाय के। सबको पता है कि पत्ते को चुन के ही चाय को प्रोसेस करके बनाया जाता है, बट उसमें पत्ता भी डाल दिया सुखा के। उसके बाद अब अदरक इलायची है, रेड लेवल यदि आपको पीना है, और यदि आपको एक बड़ा अच्छा एडवर्टीजमेंट आता था कि अदरक मुलेठी अजवाइन पता नहीं क्या क्या चाय में डालते हैं, तो चाय पत्ती तो पहले भी था, लेकिन उसमें जो ये इंग्रेडिएंट डाल दिया, ठीक है, दैट इज एन इनोवेशन। ओके, अब वो डाला भी जाता है या नहीं वो भी है, क्योंकि जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक है उसका यही, अब आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे, पहले जैसे माजा या फ्रूटी, आई थिंक कौन सा था, तो फ्रूटी का ही शायद एडवर्टीजमेंट था जिसमें अल्फांसो मैंगो दिखाया जाता है, सब कुछ होता था, और उसमें वो बताते थे कि उसी का जूस है। बट आफ्टर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन एडवर्टीजमेंट हैज चेंज्ड नाउ, अब दिखाते हैं कि उसके गुण हैं, वो नहीं है। यदि आप माजा या फ्रूटी में आम ढूंढ रहे हो तो आम नहीं है, आम के गुण का उसमें लिखते हैं। So that is, those things are basically innovations only. यदि आप even कोई भी product ले लो आप जिसको traditionally, बस मैं एक last example लूंगा, अब जैसे आप लोग Colgate से brush करते हैं, Colgate के बहुत सारे variants हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि दांतों में झंझनाहट लोगों को अभी होना शुरू हुआ है, बहुत पहले से भी हो रहा है, लेकिन अब Colgate sensitive ला दिया, बोला कि यदि आपको दांतों में झंझनाहट है तो sensitive से करो। फिर उसमें कूलिंग क्रिस्टल डाल दिया कि यदि आप यूथ हैं और आप बाहर घूमते फिरते हैं और आप चाहते हैं कि आपको दोस्तों को आपके मुंह की गंदी स्मेल ना लगे, तो आप कूलिंग क्रिस्टल से करो, सुबह जल्दी नींद भी खुल जाएगी और आप जहां भी जाएंगे आसपास का माहौल खुशबूनुमा हो जाएगा। सो ऑल दीज आर बेसिकली एग्जाम्पल्स ऑफ इनोवेशन। सो एन एंटरप्रेन्योर हैज टू बी इनोवेटिव, हैज टू थिंक डिफरेंटली, प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट डिफरेंटली। So innovation ideas, innovation means change, status quo change, going out of box to create solution. अब जैसे लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, उसको यदि आइडेंटिफाई कर लिया आपने तो आप उसका सॉल्यूशन बताओ, एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन मिले ना मिले, समटाइम्स साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन ऑल्सो works. Then innovation means creating something novel, means नया कुछ बनाना। It is a culture and a process. जो innovation है वो culture है और एक process भी है। These are some of the characteristics of innovation. Idea is not innovation. It is the starting point. Innovation is a tangible product. Process and procedure within an organization. जो idea है वो starting point है बस। It challenges status quo. Change happen not by accident, by intention. जो innovation से change लाया जाता है वो कुछ accident की वजह से नहीं होता, वैसे most of the time बहुत सारे चीज change होते हैं वैसे उससे भी, but business organization है इसलिए लाया जाता है कि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। Then it is different from creativity. Creativity is different from innovation. It is a vision which translates ideas into reality. It meets people's need, improve efficiency of business and add to profitability. Means लोगों की आवश्यकताओं को, लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, इससे business का efficiency बढ़ता है, और फिर जब business का efficiency बढ़ेगा, लोग उसको पसंद करेंगे, तो profitability अपने आप ही बढ़ेगा।
इट इज अ कल्चर एंड अ प्रोसेस, इट डज नॉट हैपन वंस फॉर ऑल. ये एक कल्चर का हिस्सा होना चाहिए. अब जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में देखें, आप लोग होप ऑल ऑफ यू आर एमकॉम स्टूडेंट एंड मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट्स इन लास्ट 10-15 इयर्स. यदि आप लक्स की बात करें, लक्स साबुन खुद यदि नहीं यूज कर रहे होंगे तो लगभग लगभग सबके फैमिली में तो यूज होता है, हुआ ही होगा किसी टाइम पे, या अभी भी हो रहा होगा. लक्स है चेंज्ड इट्स प्रोडक्ट वेरी, मतलब एक सीरीज वाइज उसने चेंज लाया है. और जिस तरीके के मॉडल से वो एडवर्टाइज करता है, हीरोइनों से एडवर्टाइज करता है, इवन लक्स को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शाहरुख खान ने भी एडवर्टाइज किया था, तो उस तरीके से उसमें चेंज लाते हैं. ठीक है, तो ये एक कल्चर का हिस्सा होना चाहिए और एक प्रोसेस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक बार आपने चेंज ला दिया तो लोग उसको हमेशा के लिए पसंद करें. देन दीज आर सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स. फर्स्ट वन इज आइडिया. Einstein said, if at first the idea is not around, then there will be no hope for it. Means, यदि आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप इनोवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इनोवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट आइडिया है. If you think alike, there is a little danger of innovation. Means, अभी हम जैसे disturbance handling की बात की पीछे हमने, but difference of opinion जरूर होना चाहिए. आजकल की परेशानी क्या है, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं या जो हमारे मैनेजर्स या बॉसेज होते हैं, उनमें उनके साथ हाँ में हाँ मिलाने का बड़ा ही यूनिक सा कल्चर डेवलप हो रहा है कि बॉस इज ऑलवेज राइट. वो मतलब गलती से भी यदि कुछ बोलेंगे तो उसको भी हाँ में हाँ मिलाना. तो यदि ऐसा कल्चर कहीं पे है, फिर वहां पे आप इनोवेशन के बारे में नहीं सोच सकते, बिकॉज फॉर इनोवेशन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मस्ट बी देयर ऑलवेज. देन मेक हैपन. केवल सोचना काफी नहीं है, उसको एक्चुअल में करना भी जरूरी है. क्योंकि सोचने के लिए तो हर व्यक्ति सोचता है, कौन नहीं सोचता है कि वो मुकेश अंबानी जी से ज्यादा अमीर हो जाए, लेकिन उसके लिए क्या उतना मेहनत. कल ही मैं एक न्यूज उनके बारे में पढ़ रहा था, सुंदर पिचाई. Still he is working for 16 hours. How many of us are working for more than 10 hours regularly? Once a while or somehow it may happens, but regularly how many of us are working like that? Then fail. जो failure है वो entrepreneurs के life में हमेशा बना रहता है. बहुत सारे ऐसे example हैं, even बहुत सक्सेसफुल कंपनीज. अभी मैंने आपको नैनो प्लांट के बारे में बताया था जो वेस्ट बंगाल से शिफ्ट होके गुजरात चला गया था. टाटा नैनो से ज्यादा अवेटेड प्रोडक्ट कम से कम मुझे जब से ज्ञान हुआ है अभी तक मैंने नहीं देखा. उसको मीडिया ने भी इतना ज्यादा प्रमोट किया था, उसको स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ी. कॉम्पिटिटर्स ने भी अपने स्मॉल फोर व्हीलर अनाउंस कर दिए. अभी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, बट होपफुली टाटा नैनो का प्रोडक्शन बंद हो चुका है क्योंकि मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है. अब टाटा जैसी कंपनी जिस टाइम पे वो लॉन्च किया गया, सोसाइटी में इतनी ज्यादा डिमांड थी, कितने सारे लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया था. जब वो प्रोडक्ट फेल हो सकता है, तो आप यदि एक स्मॉल लेवल पे एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी कर रहे हैं या बाकी कर रहे हैं, तो failure will be always there. So the way to success is to double your failure rate. Say Thomas Watson, founder of IBM. Then destruct. Destruction is creation and creation is destruction. जब तक आप एक चीज को खत्म नहीं करेंगे, नई चीज नहीं आ सकती. तो innovation यदि आपको करना है तो पुराने को खत्म करना होगा. Then question. Arthur Koestler says, must depend on asking the right question at right time. Even person in entrepreneur can ask question to themselves also. Then act. Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things. So acting is always important, also important. Now some don'ts are also there. Everything that can be innovated has been innovated.
एक बड़ा अच्छा वो वीडियो देखा था मैंने, जिसमें इम्पॉसिबल के ऊपर दिया गया था, जिसमें कभी आईबीएम के जो उस टाइम पे सीईओ थे उन्होंने ये पॉडकास्ट किया था कि कंप्यूटर केवल दुनिया के 5 सुपर पावर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि तो जिस टाइम पे कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था उस टाइम पे ये काफी कॉस्टली था। तो वॉट एवर कैन बी इनोवेटेड हैज बीन इन्वेंटेड, ये सोच लेना, फिर आपकी इनोवेशन की एबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है? क्योंकि उसके बाद फिर अलग अलग तरीके के हमारे आपके पास सबके पास जेब में एक दो कंप्यूटर चल रहा है मोबाइल से, जैसे अभी हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू क्लास कर रहे हैं, ऑल आर बेसिकली कंप्यूटर्स ओनली। सो सम पीपल थॉट डिफरेंटली, और आईबीएम बहुत ज्यादा बड़ा नाम अब उसके बहुत सारे, क्योंकि इनिशियली आईबीएम वाज ओनली देयर इन दिस कंप्यूटर फील्ड, लेटर ऑन क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया कि जो इनोवेट होना था वो इनोवेट हो गया, देन टू एवरी आइडिया आई नो दिस डज नॉट वर्क। जो भी आइडिया आपके बारे आपके दिमाग में आ रहा है, आप पहले ही सोच रहे हैं कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आप बहुत सारे एक्सक्यूजेज ले लेते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। एंड बिलीव मी आई वॉज टॉकिंग अबाउट मिथ ऑफ एंटरप्रेन्योर, अनदर मिथ ऑफ एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो देयर दैट इफ आई हैव लॉट्स ऑफ मनी आई कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिकॉज मनी हार्डली हैज अ गुड कोरिलेशन विद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि आप जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में हैं, कुछ सेकेंड जनरेशन भी बहुत अच्छे सक्सेसफुल है, टॉप पे मुकेश अंबानी जी का नाम है, टाटा ग्रुप है। जो अदर लोग सक्सेसफुल हैं उनमें से देखो आप, मोस्ट ऑफ देम आर फर्स्ट जनरेशन। जैसे ही सेकेंड जनरेशन के हाथ में गया, लगभग लगभग बर्बाद हो गया। अनदर एग्जाम्पल इज अगेन फ्रॉम यंगर अंबानी ब्रदर, मुकेश अंबानी बिजनेस इज नॉट डूइंग एट ऑल गुड, देन Either or thinking, if this is the thing, then it cannot be done. मतलब इस तरीके से सोचना कि यदि ये है तो ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। Then certainly is certainty is better. Why go after uncertainty? नहीं, certainty यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो जॉब और बिजनेस का, कि यदि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे इस अकाउंट में 50,000 रुपया आना ही है, तो जब ये सर्टेन है, और यदि मैं अभी बिजनेस करूंगा तो 5,000 भी मिलेगा या नहीं, या उल्टा घर से ही 50,000 चला जाएगा, ये सब कुछ अनसर्टेन है, या 5 लाख भी मैं कमा सकता हूँ, तो जब सर्टेनिटी से मेरा अच्छे से टाइम चल रहा है, मैं अनसर्टेनिटी के लब पीछे क्यों जाऊं? देन कैन वी गो अहेड बाय ट्रायल एंड एरर? बिजनेस में आप बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते, हिट एंड ट्रायल बहुत ज्यादा नहीं चलता वहां पे। आपको कैलकुलेट करके, आपको पूरा वेल थॉट के साथ ही जाना चाहिए बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में यू टर्न नहीं होता, एक बार आपने जो कर लिया वो कर लिया। आई वॉन्ट टू बी ऑलवेज राइट, आप हमेशा सही नहीं हो सकते, ठीक है? देन ये सोचना कि मैं हमेशा सही होऊंगा, ये भी नहीं करना चाहिए, ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। इट विल टेक सो मच रिस्क, ब्रेक रूल्स, मिस्टेक्स इज इट नॉट ओपन इनविटेशन टू द डिसिप्लिन एंड केयर्स। जैसे बहुत रिस्क होगा, नियम तोड़े जाएंगे, गलतियां होगी, तो ये फिर डिसिप्लिन और फिर अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। तो इस सब टाइप से इनोवेशन के लिए यदि इस टाइप का आप सोचेंगे तो इनोवेशन पॉसिबल नहीं है। आप बिजनेस में आप किस किस टाइप के इनोवेशन कर सकते हैं? सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू गुड्स, कोई नया सामान लेकर आप मार्केट में आए, या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आपने प्रोडक्शन का मेथड चेंज कर दिया, ठीक है? बिस्किट जैसे पहले भी बन रहा था, बहुत सारे मैनुअल वर्क थे या पार्शियल मैनुअल वर्क हुए, अब टोटली और ओपनिंग ऑफ अ न्यू मार्केट, आप जैसे एक मार्केट में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, वहां काफी सक्सेसफुल है, आपने दूसरे मार्केट में एंटर कर लिया। देन एक्सेस टू अ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए एक नए कंपनी या व्यक्ति के साथ डील कर लिया। देन कैरिंग आउट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, आपने
साथ में एक कंपनी चल ही रहा था, उसके साथ एक नया ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर लिया. तो ऑल दीज कैन बी टाइप्स ऑफ बिजनेस इनोवेशन और इनोवेशन डन बाय एंटरप्रेन्योर्स. देन मैनेजिंग इनोवेशन फंक्शन, इट इज ऑल रिलेटेड टू मैनेजमेंट फंक्शन ओनली. जो मैनेजमेंट फंक्शन हमने डिस्कस किया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, वही सारा है इसमें. अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कैसे प्लान करेंगे, एज एन एंटरप्रेन्योर आप कैसे प्लान करेंगे? तो नो अपॉर्चुनिटीज, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको आप पहचानो, उसको ग्रैब करो. मीट कस्टमर, स्कैन एनवायरनमेंट एंड बिकम अवेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. मीन्स ग्राहक से आप मिलिए, जो वातावरण है, जो माहौल है, उसको एनालाइज कीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयर रहिए कि कहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा लगाने से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. सेट ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल गोल्स फॉर इनोवेटिव एफर्ट्स. मीन्स ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए, गोल्स जो है वो मेजरेबल हो और इनोवेटिव एफर्ट डालिए. रिलाई ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेटर्स एंड फंड लॉन्ग टर्म इनोवेशन. ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको आपको मैनेज करना है. ऑर्गेनाइजिंग ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे जो भी होगा, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए, सही रिसोर्स को सही जगह पे रखिए. देन स्टाफिंग इज पुटिंग राइट पीपल एट राइट प्लेस. लीडिंग इज encouraging team worker or setting example, setting such an example that your people or your workers or your followers want to follow you. Okay? Then controlling is basically the difference between set a standard and actual performance. So you have to have a good control measure also. ठीक है, सो दैट इन लॉन्ग रन वॉट एवर यू हैव प्लान्ड इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन बेस्ट पॉसिबल. सो वी आर थ्रू विद द सेकेंड यूनिट ऑल्सो. लेट मी सी इफ सम क्वेश्चन इज देयर इन चैट बॉक्स. Okay, we will move forward with this goal setting. So, goal setting is the act of declaring something that you want to achieve. Means whatever you want to achieve will be your goal. And putting some specific parameters around the end result, the who, what, when, where, and why. So basically, this goal setting is the deciding the destination where you want to reach. Goal setting has a large component of an art from it. It requires knowing yourself and your team and having a realistic understanding of everyone's capability, because goals must be realistic and achievable. Whatever goal you are setting, is your team capable of handling those things, capable of achieving those things? So all these things has to be kept in mind in goal setting process. Goal setting is the process of deciding what you want to accomplish and devising a plan to achieve the result you desire. So it is basically whatever you want to achieve and how you want to achieve. That is basically goal setting. Now, why goals are important to business? Whenever you have any goal, in general also, you may say, यदि आपको पता है कि आपको क्या करना है, कहाँ तक जाना है,
तो उसके लिए आप बेस्ट तरीका ढूंढ सकते हैं, या आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स का भी हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले गोल सेट करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। सपोज करो आप घर से निकले और आपको कहीं जाना है, किसी घूमने के जगह पे जाना है और आपको नाम पता है, तो यू मे टेक हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। वंस योर गोल इज सेट कि कहाँ पहुंचना है, आपने जीपीएस में डाला, आपको बेस्ट रूट बता देगा वो। वैसे ही यदि आपका गोल सेट है और आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं, तो वो एक्सपर्ट आपको मदद कर सकता है बेस्ट वे से आपके गोल तक पहुंचने के लिए। सो व्हाई गोल इज इम्पोर्टेंट टू बिजनेस, एड अ नीडेड मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन दैट कीप्स एवरीवन एट एवरी लेवल फोकस्ड ऑन द सेम डेस्टिनेशन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ग्रुप में काम करता है, लोग काम करते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जनरेट करे। देन अलाउ एक्यूरेट फॉरकास्टिंग ऑफ रिसोर्स नीडेड, फॉस्टर द एफिशिएंट यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज एंड अवॉइड कॉस्टली स्टॉप्स स्टार्ट्स एंड चेंज इन डायरेक्शन। मींस जो गोल है वो आपको ये बताता है कि आपको कितने रिसोर्स की आवश्यकता होगी इसका पूर्वानुमान लगाने में, और सही मात्रा में आपको रिसोर्सेज को लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेने से भी आपका लॉस होगा, कम लेने से भी आपका लॉस होगा। और फिर इससे आपको, यदि आपने कम रिसोर्सेज मंगवाए तो आपको काम रोकना पड़ेगा, यदि आपने ज्यादा मंगवा लिए तो उसका ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी हेल्प बाय प्रॉपर गोल सेटिंग। कीप द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव इन बोथ द बिजनेस मार्केट प्लेस एंड एम्प्लॉय मार्केट प्लेस, बोथ एट द बोथ द प्लेसेस। दीज आर फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग। फर्स्ट, क्लैरिटी शुड बी देयर। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव क्लैरिटी अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू डू। Then challenge, accept that challenge, whatever challenges are there. As an entrepreneur, you should be aware about the challenges also. Then commitment to face those challenges and reach your goal. Then feedback from different stakeholders, from your employees, from your colleagues, even this 360 degree appraisal, allow even every organization to give feedback. Then task complexity, what is the complexity level of task, are you able to handle those tasks or not, and many other factors. Then MBO is there. MBO, I will not go in more detail because we are running short of time now. So first I will define it and move further. So management by objective involves the establishment of goals by managers and their subordinates acting together. Means managers and subordinates work together, act together to establish goal, specify responsibility and assign authority for achieving the goals. Means who will be having what type of responsibility, and with responsibility authority must be given. If you are not giving authority, then you cannot make any individual responsible as well. And finally, constant monitoring of performance of all the employees, all the people involved in that process. This is MBO process is there, management by objective process. First one is goal setting. You have to set a goal. Then manager subordinate involvement, manager and subordinate must contribute in that goal setting process and also help in matching implementing those processes, what goals you are having and what type of resources you have. Sometimes at the time of setting goal, you must also keep in mind about your available resources. Then implementing a plan. Implementation of plan, whatever plan you have decided in goal setting, you have to implement it, and review and appraisal of performance. After a particular time period, you have to review your plan, whatever you planned, how much you succeeded, what is the current position, what corrective actions has to be taken.
These are few benefits I will describe in short. The management of the process helps the employee to understand their duties and responsibilities in much more focused manner at the workplace. So, उसको लोगों को ये पता होता है कि उसे क्या करना है, उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है, फिर की रिजल्ट एरियाज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, कौन कौन से की रिजल्ट एरियाज हैं. फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस लीड्स टू सेटिस्फाइड एम्प्लॉई. जैसे ही लोगों को जो काम है वो टाइम पे काम कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है, देन ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो ग्रो. वेन ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो, employee will get benefits, will get rewards, so they will again lead to satisfaction also. Then management by objective leads to well-defined hierarchies at the workplace. सबको पता है कि किसको किससे रिपोर्ट करना है, किसका क्या काम है, किसको किसके साथ किस चीज के लिए इंटरेक्ट करना है. And the MBO process leads to highly motivated and committed employees. गोल अचीव हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉय विल बी हायर ऑटोमेटिकली. दीज आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू मेक एमबीओ इफेक्टिव. फर्स्ट वन इज सपोर्ट फ्रॉम ऑल, इधर इट इज मैनेजर और सबॉर्डिनेट. एमबीए प्रोग्राम बाय मैनेजर्स, मैनेजर्स को इसमें मैनेजर्स की जिम्मेदारी ज्यादा होती है. ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स, ट्रेनिंग को मैनेजर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए जिससे वो चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल कर सकें. ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी कमिटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. एलोकेशन ऑफ एडिक्वेट टाइम एंड रिसोर्सेज, जो समय और जो भी संसाधन चाहिए वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए. देन प्रोविजन ऑफ अनइंटरप्टेड इंफॉर्मेशन फीडबैक, मतलब एक अच्छा और आप कह सकते हो कि फेयर फीडबैक का प्रोविजन होना चाहिए. और सबको, इवन सीनियर मैनेजर्स को भी फीडबैक को रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी फीडबैक उन्हें मिलता है. कई बार फीडबैक में इसीलिए नाम का कॉलम नहीं होता है, जो भी है जो आप सोचते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग योर आइडेंटिटी यू मे गिव. क्योंकि कई बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो जाता है कि कुछ एचओडीज के पास यदि जमा किया भी गया तो वो फिर लीक हो जाता है कि किस टीचर के बारे में किस स्टूडेंट ने क्या लिखा, और उसके बाद फिर टीचर और स्टूडेंट में बाकी के बचे हुए सेमेस्टर में मामला जो भी ना, जो कुछ नहीं होना चाहिए वो होना शुरू हो जाता है. देन स्मार्ट गोल एग्जाम्पल्स, स्मार्ट गोल सेटिंग which is an acronym of a specific, measurable, attainable, relevant and time based is an effective process for setting and achieving your business goal. agli slide pe iska hum ek example ke sath lete hain ki jaise broad goal hai, I want to start a business. ab iska specific kya hai, I will sell handmade card through st.com. मीन्स मैं क्या बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, ये भी क्लियर है. फिर मेजरेबल, आई विल बी रेडी टू टेक माई फर्स्ट ESST ऑर्डर विद इन 4 वीक एंड आई विल एम टू सेल अ मिनिमम ऑफ 5 कार्ड पर वीक. आप उसने अपना टारगेट भी सेट कर लिया कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे पहला ऑर्डर मिल जाएगा और उसके बाद मैं हर हफ्ते कम से कम 5 कार्ड बेचूंगा. अब अटेनेबल, आई विल गेट सेटअप of ST first, then I will build an inventory of 30 handmade cards to sell. Finally, I will promote my business and build customer relationship through word of mouth, referral and local network. अब ये अचीव करने लाइक टारगेट रखा है कि सबसे पहले मैं ST को सेटअप करूंगा, फिर मैं 30 कार्ड का स्टॉक इन्वेंट्री रखूंगा, स्टॉक रखूंगा मतलब, उसके बाद मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करूंगा कस्टमर रिलेशन के थ्रू. कस्टमर जो भी एक बार कस्टमर आएगा, नए नए ऑफर्स उन्हें दूंगा या उनके क्वेरीज को अच्छे से हैंडल करूंगा. फिर यदि वो सेटिस्फाइड है तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वो खुद ही प्रमोट हमें हेल्प करेंगे प्रमोट करने में, रेफरल देंगे या लोकल नेटवर्किंग जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स या दोस्तों के थ्रू बाकी थ्रू.
आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड चला है स्टेटस में डालने का, जिसमें आपका स्टेटस केवल वही लोग देख सकते हैं जो आपके फ्रेंड लिस्ट में भी है। ठीक है, तो इस अलग अलग वे के चीजों को एक्सप्लोर करके करने का जो प्लानिंग है, देन रेलेवेंट सेलिंग हैंडमेड कार्ड विल अलाउ मी टू बेनिफिट फाइनेंशियली फ्रॉम माई फेवरेट हॉबी। मतलब ये हॉबी भी है मेरा और इससे मैं बेचकर पैसा भी कमाऊंगा। देन टाइम टाइम बेस्ड माई फर्स्ट एसटी स्टोर विल बी अप एंड रनिंग विद इन 4 वीक्स एंड आई विल हैव एन इन्वेंट्री ऑफ 30 कार्ड टू सेल विद इन 6 वीक्स। अब जैसे इसने टाइम में वो बिल्कुल फिक्स कर दिया कि मेरा पहला स्टोर 4 हफ्ते में बन के तैयार हो जाएगा और 30 कार्ड में 6 हफ्ते के अंदर बेच लूंगा। फिर माई मैन्युस्क्रिप्ट विल बी कंप्लीटेड एंड रेडी टू बी पब्लिश्ड इन 10 मंथ्स। ये अगले का आ गया, अगले का आ गया है, दिस इज नॉट रिलेवेंट। वहां तक जो भी मतलब स्मार्ट गोल के जो भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे इसमें एक्सप्लेन हो गए कि यदि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ऐसे ही मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, दैट वेग एग्जाम्पल विल नॉट वर्क, सो यू विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। एंड वी आर हेयर विद द लास्ट यूनिट, दैट इज क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सर कंटिन्यू विद दिस। हेलो हेलो, यस सर, हाउ यस मच सर, टाइम इट विल टेक? जी सर, सर हाउ मच टाइम इट विल टेक? इट विल टेक 15 मिनट। ओके सर, ओके सर, हाँ सर, लेट अस गो अहेड विद दिस। ओके, थैंक यू सर। सो क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी इज डूइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर और क्रिएटिव मैनर, एंड ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज व्हेन यू हैव सम प्रॉब्लम यू विल कम विद इट्स सॉल्यूशन। सो there we have some types of opportunities are there, the opportunities are always there in the external market, so additive opportunity is there, change production and marketing strategy, utilize the existing resource better, that will be additive opportunity, means you are not going for additional infrastructure or you are not going for anything extra, but with some other type of opportunity you are getting more and more business. Then complementary opportunity, get new ideas into business. This causes value addition and change character of the business. Suppose when you are in one business and you are getting idea of business complete, doing business complementary to that, that will again help, that will grow your business. Breakthrough opportunity, new product, new technology brings about breakthrough change. There is high risk, high gain in sensing this type of opportunity. Whenever new, जैसे मैंने type of entrepreneur में एक innovative entrepreneur बताया था, जिसमें वो हमेशा नई चीजों की तलाश में रहते हैं। अब यदि आप कुछ नया बनाते हैं, उसमें बड़ा high risk होता है। वो successful होगा या नहीं होगा? पहले यदि हम communication medium की बात करें, तो जो पहले सबसे fastest communication medium था, that was telegram. मतलब टेलीग्राम में मैसेज जाता था, क्योंकि जो चिट्ठी है वो बहुत डिले से जाता था। मोबाइल और टेलीग्राम के बीच में एक पेजर आया, पता नहीं अब आप लोगों में से कितने लोग पेजर को जानते हैं या उसके बारे में सुने हैं। पेजर वाज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच डिलीवर मैसेज इंस्टेंट, और उस पेजर की लाइफ मुश्किल से 6 महीने की रही, उसके बाद मोबाइल लॉन्च हो गया। अब डायरेक्ट जब बात हो रहा है तो कोई मैसेज के लिए उसको क्यों रखेगा? तो पेजर में जिस भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया था, उसके टावर लगाए थे, इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए थे, दे मस्ट हैव इनकर्ड ह्यूज लॉस। तो जो ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी होता है, उसमें सक्सेस के या गेन के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, साथ में फेलियर के भी बहुत बड़े चांसेस होते हैं। अब दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफाइंग मार्केट गैप। फर्स्ट वन इज कस्टमर, कस्टमर इज द बेस्ट पीपल हु कैन से
actual, you can give you actual feedback related to your product. What is good about your product? What is bad about your product? Then manufacturer can be in a position to give you feedbacks. In some cases, entrepreneur can be the manufacturer also, but in many cases nowadays, many companies are going for outsourcing. Then channel members are there, different middlemen, intermediaries are there. They can be the people who can give some feedback. Then middleman is there, research institutions are the institutes are there. Research institutes also provide with after collecting some data, doing some research, they can be the source of market. Yeah, and government also, government used to organize this fair and many other things. जैसे प्रगति मैदान में जो भी ये ऑटो एक्सपो या फेयर वगैरह लगते हैं, या आप लोगों ने पता नहीं सुना होगा या नहीं, दिल्ली में अलग अलग उस पे ना दिल्ली हाट बनाया गया है, जहाँ पे रूरल एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। वो फिक्की में भी है और यहाँ और कई जगहों पे है दिल्ली में, जिसमें एक नेताजी सुभाष प्लेस पे भी है, अदर जगहों पे भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अलग तरीके से कर रहे हैं इस सब को। तो वहाँ पे लोगों को पहले इनवाइट किया जाता है, उनकी जो भी क्रिएटिविटी है, जो उनके मतलब जो एक तरीके से हेरिटेज है, लगभग जो भी पेंटिंग है या सामान है, कारीगरी है या शॉल वगैरह है, तो उसको फिर कैसे अच्छे तरीके से मार्केट किया जा सकता है, उसको बेटर किया जा सकता है, इन सब के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे बहुत एक अच्छा सोर्स होता है। देन आइडिएशन, आइडिएशन इज द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग न्यू आइडियाज। इसके तीन स्टेज हैं। सबसे पहला इनोवेशन है, इनोवेट करेंगे आप पहले, उसके बाद उसको डेवलप करेंगे और फिर उसको का एक्चुअलाइजेशन होगा, मीन्स मार्केट में वो कस्टमर के लिए, या इसको आप कमर्शियलाइजेशन भी एक फेज हो सकता है कि कमर्शियलाइज करेंगे। देन दीज आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ इनोवेशन। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। Whenever some problem arises, you came with some solution. और जरूरी नहीं है कि जो solution है वो हमेशा top level manager या highly qualified experts ही दे। बहुत सारे solution ऐसे जगहों से आता है जहाँ पे आप मतलब expect भी नहीं कर सकते। Then symbiotic ideas. Next one is derivative idea. Taking some idea and changing it. Then symbiotic idea is there. Multiple idea are combined to make a whole solution. Then revolutionary idea is there. An idea that breaks away from traditional thought. That is communism is as a philosophy. Artistic innovation. Innovation which may be practicable or not. Then computer assisted discovery. Find out wider possibilities. Then improvisation and creativity is universal in all fields of life. It is accessible to each person at each moment. These are some of the methods of idea generation. Idea generation का सबसे पहला है brainstorming. Brainstorming में basically experts होते हैं. Experts साथ में बैठते हैं, जो भी problem होता है उसके ऊपर discuss करते हैं और फिर सॉल्यूशन के साथ आते हैं। फोकस ग्रुप भी वैसा ही है, बट फोकस ग्रुप में जो होता है मेजर डिफरेंस यही है कि इसमें एंड यूजर होता है, जो लोग एक्चुअल में ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक्सपर्ट्स होते हैं और फोकस ग्रुप में एंड यूजर्स होता है, और जो भी अब जैसे प्रोडक्ट में क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जो एक्चुअल यूजर है उसको फिर आप एक साथ बिठा के फिर उसके ऊपर करते हैं, और उसी तरीके से ये आगे भी फर्दर है। चेकलिस्ट है, प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस है, सिनेक्टिक्स है। देन इस ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में है। इसमें आप सबसे पहले डायरेक्शन सेट करेंगे, सबको इन्वॉल्व करेंगे, इनवाइट करेंगे आइडियाज, आइडिया की क्वालिटी को जज नहीं करेंगे, रिपीटिशन ऑफ आइडिया अलाउ नहीं किया जाएगा, और आइडियाज किसी को भी आइडिया देने से रोकेंगे नहीं।
क्योंकि हो सकता है मुझे जो आइडिया बिल्कुल इररिलेवेंट लग रहा है, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा है। ये ऐसे फ्लो ऑफ आइडियाज जाता है, उसी का डिस्क्रिप्शन है जो मे गो थ्रू इट। देन फोकस ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ फोकस ग्रुप है, आप जो कैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं और फिर इसका कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है, एनवायरमेंट को आप एनालाइज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनवायरमेंट को। फिर प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है। देन कुछ आप एजम्पशंस डेवलप करते हैं। देन जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स, एजम्पशंस डेवलप करने के बाद किन किन तरीके क्या क्या इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फिर उसको सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हैं आप, फिर उसमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसका कंट्रोल मेजर करते हैं कि जो भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। ये है टूल्स फॉर डिफाइनिंग प्रॉब्लम, व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। With this, we can define our problem in best manner. These are some of the barriers of problem solving. Failure to recognize the problem. जैसे प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाए। कई बार आप डॉक्टर के केस में इसको आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके बॉडी में कोई परेशानी है, आप जाके डॉक्टर को बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है और आपको कुछ और ही दवा खिलाया जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्टर भी होता है। कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है उसको अच्छे से डायग्नोज करके आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। देन कंसीविंग द प्रॉब्लम टू नैरोली, आपने मतलब प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा तहजीब नहीं दी। अ प्रॉब्लम हैज टू बी सीन फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट, इफ नॉट डन द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सीन इन फुल। उसको अलग अलग डायरेक्शन से आपको देखना पड़ेगा, अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम को आप परफेक्टली नहीं देख सकते। मेकिंग ए हेस्टी चॉइस, आपने जल्दी जल्दी में कोई डिसीजन लिया, उससे भी बैरियर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा। एंड फेलियर टू कंसिडर ऑल कंसिक्वेंसेज ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आपने सॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस वो सारे उसको कंसीडर नहीं किए। एंड वी हैव मूव टू आवर लास्ट स्लाइड। इसमें दो तीन जो मेन मेन इम्पॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का जैसे एक तो ये है, डेविल्स एडवोकेट है। सबसे पहले हम साइंटिफिक मेथड देख सकते हैं। साइंटिफिक मेथड में क्या है, एक आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज है या नहीं है। आपका कोई प्रोडक्ट है, आप मान लेते हैं कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है, या आप के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम होती जा रही है, तो आपने ये मान लिया कि बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं है। फिर अब उसको आप चेक करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया है वो सही है या नहीं। फिर है डेविल्स एडवोकेट है। डेविल्स एडवोकेट में दो ग्रुप बनाया जाता है, एक ग्रुप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है और दूसरा जो डेविल ग्रुप होता है वो उस सॉल्यूशन में कमियां निकालता है, और जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला ग्रुप सॉल्यूशन दे रहा है उसके हर पॉइंट पे उससे वो क्वेश्चन मार्क करता है। फिर है डेल्फी मेथड है। डेल्फी मेथड भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह ही है, बट यहाँ पे एक्सपर्ट्स एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा होता। अलग अलग जगहों पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, बीच में एक कोऑर्डिनेटर होता है। सपोज करो आप चार एक्सपर्ट हैं, चारों कमरे में चारों बैठे हुए हैं, एक बीच में कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर ने प्रॉब्लम सारे एक्सपर्ट्स को दिया और सबसे उसके सॉल्यूशन मांगे। अब सारा सॉल्यूशन मिलने के बाद उसको कंपाइल किया। अब जैसे जो एक्सपर्ट ए है उसको उसके सॉल्यूशन के अलावा बाकी तीन का सॉल्यूशन दिया गया, जो
क्योंकि वो जो उसका सोल्यूशन था वो तो उसे पता ही है, बाकी तीन लोग क्या सोच रहे हैं वो दिया गया, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक चारों एक्सपर्ट सेम पॉइंट पे एग्री नहीं कर जाते। फिर स्टोरी राइटिंग है, माइंड मैपिंग है, और भी बहुत सारे हैं, एक बार आप लोग इसको पढ़ के देखिएगा। इसमें से किसी भी टेक्निक में यदि प्रॉब्लम हो या कुछ आपको पूछना हो तो कल वाले क्लास में हम स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में ये ले सकते हैं। थैंक यू सर, आई एम थ्रू। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। It was absolutely enlightening and a very informative session. And Dr. Chaudhary has covered wide range of things in his lecture. And very rightly he said about the entrepreneur is not about the money, or it is about the resources. If you take the example of OYO, it is just an idea. And the Ritesh Agrawal, who is the founder of OYO, has come from a very small place called Bishamkatak in Raigad district, Odisha. Many few people they know about this fact that it belongs to Odisha. And OYO doesn't have any of the property their own, but they are operating in 24 countries and more than 800 cities. Now they are expanding to all many of the countries. So it is absolutely good example where entrepreneurship really reflected the ideas. Okay, so without taking much time, I would like to request Mr. Pratraj Mishra if he can share some few words. Ruchi sir, am I audible? Then I request learners to write their questions if they do have in the chat box. It will be answered by our honorable resource person, Dr. Chaudhary. What I assume that there are no questions. So I would like to thank our resource person, Dr. Manu Chaudhary. It is really an honor to have in our class. I hope our students, our learners will be benefited from this one. And I hope they will take the tips you have given or examples you have given. It will be instrumental to those aspiring entrepreneurs. I hope we all have some entrepreneur ideas in our mind, but we are reluctant, we are hesitant to execute that. So yes, we are focusing more on certainty rather than going for uncertainty. Exactly, sir. Yes. So thank you so much, sir. We are looking forward to have some few classes, couple of classes in future. And at the same time, I do thank our learners. Without you, our classes will not be successful. So thank you so much. And we come to the end of the class. Have a good day. Stay home and stay safe. I think Mr. is there now. Ah, Prutha sir is there. Prutha sir, please, if you can say some words. Thank you, sir. Thank you very much. And actually, we put you into some sort of inconvenience. And Parikha sir has rightly told, we are looking forward to have few more classes of yours. Actually, I tried to be on very time for my commitment, but there was some family discussion. No problem. Something happened in family, so lots of discussion was there. So I had to rest. It happens, sir.
learners, I must, yes. I'm sure the learners must have been immensely benefited by the lecture of Dr. Manoj Chaudhary, and we will have few more classes from Dr. Chaudhary in future. Thanking you all. I also request you, learners particularly, whenever you are attending any class, please just go through the FLM once. That will benefit you more. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you once again. Welcome, sir. Welcome. Thank you so much, sir, again. And I request all the learners, please disconnect yourself from the platform. Thank you very much, sir. Most welcome, sir.